एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्री नारायण कुशवाहा का दमोह आगमन हुआ। दमोह प्रवास के दौरान वे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग और उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में ली। साथ ही विभिन्न योजनाओं को लेकर के उनके क्रियान्वयन को लेकर के भी चर्चा की। इस दौरान मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के अलावा अनेक लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों में कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित हुए हैं। इस दौरान मंत्री जी के द्वारा जनसुनवाई के दौरान लोगों से चर्चा की गई, उनकी समस्याएं सुनी गईं और समीक्षा बैठक के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। तो वहीं मंत्री जी का स्वागत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। आज या कल में निर्देश फिर जारी हो गए सर, बहुत जरूरी है। सर मैं बताना चाहूंगा सर, 87% हमारा दमोह जिला क्या है, सामाजिक न्याय विभाग उद्यान की विभाग की यहाँ जिले में मैंने प्रवास मेरा था, तो उसके अंतर्गत मैंने आज बैठक भी ली है। समीक्षा बैठकें विभाग के चल रहे काम काजों के बारे में इस बैठक में हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय बाबा कुसमरिया जी भी साथ में थे, जिला अध्यक्ष जी भी थे। तो विस्तृत तो समीक्षा सामाजिक न्याय विभाग दिव्यांगजनों के क्षेत्र में, अन्य नशा मुक्ति के क्षेत्र में कामकाजों की समीक्षा हुई, आवश्यक निर्देश भी मेरे द्वारा दिए हैं। ऐसे ही उद्यानिकी विभाग में जितनी नर्सरियां हैं उद्यानिकी विभाग की, उसके कामकाज की समीक्षा, विभाग के द्वारा प्रगति की बातें, ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्योंकि नर्सरियां अच्छी हालत में हों, किसानों को एक मॉडल के रूप में नर्सरियां दिखें, उन्हें ज्ञान मिले और वैज्ञानिक नई तकनीकी का ज्ञान भी नर्सरियों के माध्यम से मिले, इन सब की चर्चा हुई है। कितने संतुष्ट हैं आज आपने? ये संतुष्ट है, विभाग के द्वारा जो काम चल रहे हैं उन सब की है। कहीं ना कहीं छोटी बातें हैं, डिमांड हैं जिले की, उनको ऊपर से स्वीकृत कराने की भी बात मैंने बोली है कि इनकी स्वीकृत कराएंगे। बड़े विभाग हैं उद्यानिकी विभाग और सामाजिक न्याय, लेकिन जितने भी कामकाज देखते हैं सब कागजों पर ही नजर आते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आते। दिव्यांगजनों के क्षेत्र में तहसील वाइज लोगों को चिंताकित किया गया था। आवश्यक उन्हें जो यंत्र है, चाहे कैलीपर्स हो, साइकिल हो, मोटराइज ट्राईसाइकिल हो, कान की मशीनें हो, सबको प्रदाय करने का काम किया गया। और अगर कई क्षेत्र में वंचित रह गए हैं तो उसके लिए भी मेरे द्वारा निर्देश दिए हैं कि फिर से चिन्हित करें और उन्हें वो सारगी पात्र हितग्राहियों को उनको योजनाओं का लाभ दें। उद्यानिकी विभाग का कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखता है? नहीं, तो उद्यानिकी विभाग में नर्सरियाँ अपना फल उद्यान के क्षेत्र में काम कर रही हैं और किसानों को भी प्रशिक्षण देने का काम, राज्य के बाहर अन्य राज्यों में भी भ्रमण के कार्यक्रम किसानों के बनते रहते हैं। अभी भी सितंबर में किसानों के दल यहाँ से गया था, आगे भी जाएगा। तो कुछ ना कुछ कई बातें
काम करने के लिए मिली तो मैंने उन्हें निर्देश भी किया है, तो अब विभाग अच्छे ढंग से काम करें इसकी समीक्षा मेरे द्वारा की गई है। पिछड़ा वर्ग के हमारे आदरणीय हैं जो है, और सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनेकों कार्यक्रमों के तहत सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और ऐतिहासिक काम सरकार ने किए हैं किसी भी क्षेत्र में योजनाओं के माध्यम से। अब पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया, ये सारे क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने का काम सरकार निरंतर कर रही है। पानी के ऊपर चर्चा हुई है और सामाजिक न्याय उनका जो विभाग था उसकी समीक्षा हुई, ठीक है ना, क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं पार्टी की तरफ, हम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, अब हमसे जो कुछ पूछना हो तो पूछो। किस तरह के निर्णय लिए गए आज? अभी तो बहुत सी बातें हैं, कई ऐसे समाज हैं जो जिनको अभी घोषित नहीं किया गया है, उनकी परीक्षण कर रहे हैं, उन्हें पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए, उसके जो लाभ हैं उन्हें वे दिए जाए, आरक्षण का बहुत विषय चला हुआ है उसके ऊपर भी अपन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या जा रही है। दूसरा, बच्चों को जो उनके छात्रावास हैं जिलों में, दो छात्रावास होते हैं, एक बच्चियों का एक बच्चों का, लेकिन वो कम पढ़ते हैं, इसलिए ब्लॉक स्तर पर हम चाहते हैं कि उनको पढ़ें। दूसरी बात ये है कि पिछड़े वर्ग की जो योजना है वो लोगों तक पहुँचे, जानकारियाँ पहुँचे, बच्चों को जो स्कॉलरशिप में जो पैसा मिलता है, प्री मैट्रिक में पोस्ट मैट्रिक में जो जानकारी पढ़ने के लिए जो पैसा वगैरह आता है वो लोगों को मिले ठीक से सुचारू, तो ये सारी समीक्षा करते हैं, दिनों में जा जा करते हैं, उनकी समीक्षाओं में यदि कहीं कोई खामी है तो उसमें सुधार करते हैं। लोगों का अनेक समाजें हैं, अनेक समुदाय हैं, अनेक वर्ग हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए योजना बना सकते हैं, कैसे उनको राहत दे सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है।